A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigre, and on behalf of the whole Etiosian family, I welcome you all to today's class. I am teaching you science, class 8, and we are reading chapter 4, that is materials, metals, and nonmetals. And this is the third part. Okay? So, what we have read in the last two parts, we have read some characteristics of metals and nonmetals, and chemical properties of metals. Okay, so if you haven't watched the video, go and watch the video for proper understanding and then come and watch this one. Okay, let's get started. So today what we will be discussing, today we'll be reading reactivity series of metals and chemical properties of non-metal. ठीक है, जो भी रिएक्टिविटी सीरीज होता है मेटल का, कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्ट करता है वो पढ़ेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है नॉन मेटल्स के उनको डिस्कस में विल बी सीन. ऑलराइट, सो फर्स्ट वी विल बी रीडिंग रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज से पता क्या चलता है, कोई मेरे को बता सकता है कि रिएक्टिविटी सीरीज से क्या पता चलता है? वॉट इज रिएक्टिव सीरीज? जैसे कि रिएक्टिविटी से पता चल रहा है कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है. ओके, सो विल बी अरेंजिंग इट इन दैट ऑर्डर कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल, और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है. ओके, सो द अरेंजिंग ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है उससे सबसे कम जो है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब सजाया जाता है उसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. ऑलराइट, सो यू कैन सी अ पर्टिकुलर टेबल जहाँ जो ब्लू कलर में है. ठीक है, वहाँ पे लिखा है जैसे कि मेटल्स कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन ज़्यादा नहीं है. तो द मोस्ट रिएक्टिव यू कैन सी इज पोटेशियम. ऑलराइट, पोटेशियम से हम गोल्ड तक जाएंगे. ठीक है, लेट्स रीड. पोटेशियम को कैसे लिखते हैं? के. ऑलराइट, इट्स अ मोस्ट रिएक्टिव वन. देन कम सोडियम यानी Na, देन कैल्शियम Ca, देन मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, zinc Zn, iron Fe, lead Pb, hydrogen H. अब मेरे को पता है हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है? हाइड्रोजन नॉन मेटल है. ठीक है, कॉपर Cu, मर्क्यूरी Hg, सिल्वर Ag एंड गोल्ड Au. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल ओवर हियर इज गोल्ड. ऑलराइट, सो रिएक्टिविटी सीरीज सजाया जाता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव से लेकर सबसे लीस्ट रिएक्टिव तक. ओके, देयर इज ऑल्सो रिटन मोस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है थ्रू आउट द लेन एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल वी कैन सी ओवर इज गोल्ड. ऑलराइट, सो व्हेनेवर यू विल बी आस्क्ड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स यू हैव टू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, from increasing the most reactive metal to that of the least reactive one. Okay, so in this way reactivity series is arranged from more reactive to less reactive. So sabse zyada reactive kaun hai batao? Potassium. And what is the least reactive metal over here? Gold. All right, okay, so you have to remember this. Aapko yaad rakhna padta hai table. Theek hai, तो आप याद रखना क्वेश्चन में एमसीक्यूज वन मार्क या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि कौन सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है एंड विच इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. सो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली. ऑलराइट, नाउ विल बी रीडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. हम केमिकल रिएक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. मेटल्स में पढ़ चुके हैं कि मेटल कैसे रिएक्ट करता है विद एसिड, विद वाटर, विद एयर एंड ऑल. ओके, आज हम उसी को नॉन मेटल को रख के पढ़ेंगे. तो तीन ही चीज़ हमें रिएक्ट करवाना है, वाटर के साथ, एसिड के साथ और ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर. ये क्या है, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज दिस रेड कलर पाउडर? दिस इज पोटेशियम. ओके, पोटेशियम बर्न्स विगरसली. ऑल राइट, तो बेसिकली जितने ज़्यादा फॉस्फरस है, जितने भी ज़्यादा मेटल्स हैं, मतलब नॉन मेटल मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है. ऑल राइट, वी हैव ऑलरेडी रेड इन द प्रीवियस लेक्चर, बट वॉट अबाउट नॉन मेटल्स? ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर.
ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को मैं रिएक्ट करवा रही हूँ पानी में, क्या हो रहा है? ओ टू एच टू, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, मिलता नहीं है। तो बेसिकली होता ही है कि ये नॉन मेटल्स विगरेसली रिएक्ट नहीं करते, बट कुछ कुछ मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल। ओके, तो फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस एक इतना ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है कि वो आराम से फायर आ सकता है, आराम से जल सकता है। वेन एवर आप फॉस्फोरस को बाहर रख दो, एक्सपोज कर दो रूम टेम्परेचर में, तो वो आराम से जल सकता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमोसफियरिंग ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, ठीक है। वो इतना ज़्यादा विगरेसली रिएक्ट करता है फॉस्फरस ऑक्सीजन के साथ कि इसको वाटर में स्टोर करना पड़ता है। एंड वंस यू आर टेकिंग द फॉस्फरस आउट ऑफ वाटर, इट बर्न्स विगरेसली ऑक्सीजन। ओके, सो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर में, बट बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फरस, जो कि विगरेसली रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ फॉस्फरस विद ऑक्सीजन, इट इज स्टोर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी में उसको रखा जाता है। एंड वंस इट कम्स आउट ऑफ वाटर, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दैट ऑफ ऑक्सीजन, इट कैचेस फायर, ठीक है, एयर में आते ही वो आग लग जाती है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया है। बट ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट पानी में नहीं करते, ठीक है, इसीलिए तो फॉस्फोरस को स्टोर किया जाता है इन वाटर। ऑल राइट, फॉस्फोरस कैसे दिखता है, देखो रेड कलर का दिखता है, एंड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, यू हैव सीन इन द लेफ्ट पिक्चर, इट कैचेस फायर। ऑल राइट, समझ गए, चलो आगे पढ़ते हैं। ओके, नाउ रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो पहले वाला जो था दैट वाज रिएक्शन विद वाटर, जो रिएक्ट नहीं करता है। सो व्हाट इज ऑक्सीजन, जैसे कि मैंने बताया फॉस्फोरस रिएक्ट्स विगरेसली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज स्टोर्ड इन वॉट वाटर। ये याद रखना क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वाई फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर, एक्सप्लेन बोलेगा, ठीक है। तो क्या बोलना है, फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर इन ऑर्डर बिकॉज इफ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एटमोसफियरिक ऑक्सीजन, या इफ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दैट ऑफ द एयर, ओके, एटमोसफियरिक एयर, इट कैचेस फायर। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कैचिंग फायर, इट इज स्टोर्ड इन वाटर। So it is a 2 mark question that is readily asked in your exams, all right? So the question aa sakta hai ki phosphorus ko water mein kyun store karte hain, so you need to write the answer in order to prevent it from reacting with atmospheric air, all right? Now hume pata hai ki phosphorus oxygen ke sath react karta hai tabhi wo burn ho jata hai, theek hai. Ab hum padhenge detail mein water, how non metals react with oxygen, okay? तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ इन ऑर्डर टू फॉर्म मेटलिक ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्मेशन करता है, O2। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल व्हेन सल्फर इज हीटेड इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, ये सल्फर जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, O2 के प्रेजेंस में, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2 बनता है। ऑलराइट, ओके, when carbon is heated it combines with oxygen to form carbon dioxide, okay? तो ये जो carbon होता है वो जब oxygen के साथ react करता है तो क्या बनता है, dioxide, carbon dioxide. So reaction with oxygen होता है vigorously, either it is sulfur or that is carbon. When it reacts with oxygen, atmospheric oxygen, it give rise to sulfur dioxide or carbon dioxide etc, okay? तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है व्हेनेवर नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा, वो एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, मेटलिक ऑक्साइड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, यू विल बी आस्क्ड टू राइट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने के लिए एग्जाम में आ सकता है कि इसको इसके साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं और कंफ्यूज नहीं होना इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल का कैसे रिएक्ट करता है मैंने पढ़ाया था, ठीक है, वो एक वे में हो सकता है, वो भी बोल सकता है क्वेश्चन में पूछ सकता है, या फिर नॉन मेटल्स भी पूछ सकता है, नॉन मेटल ज़्यादा ईजी रहता है रिमेंबर करने के लिए, ठीक है। सो आप ही काम करना, आप डिफ्रेंसिएशन करके पढ़ना, कंपेयर करके, सो दैट आपको याद रहेगा, ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना। प्रिटी बी प्रिटी क्लियर व्हेनेवर यू आर रीडिंग समथिंग, मेक योर फंडामेंटल्स क्लियर
so that it will be much easier for you to answer the questions. आप बार बार confused नहीं होंगे, ठीक है? तो एक बार अपना base clear करके पढ़ो, further classes में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? So what we have read, हमने the activity series पढ़ लिया. Next we read about reaction with water, जो नहीं होता है reaction, और oxygen के साथ हमें metal oxides यानी कि dioxide formation होता है. Okay, very good. Next is reaction with acids, the last one. How these metals, non-metals react with acids? ये भी react नहीं करते, यानी कि non-metal जो होता है ना ही वो water के साथ react करता है और ना ही वो acid के साथ react करता है. Phosphorus सही है, left side में, okay? So बहुत सारा सबके colors अलग अलग रहते हैं. This is sulfur. तो ये सब जो होता है एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं नॉन मेटल्स, बट एट द सेम टाइम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स. मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मेटल्स रिएक्ट विद वाटर. बट यहाँ पे क्या होता है, नॉन मेटल्स जो होता है वो बस एयर के साथ रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड्स बनाने के लिए. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड्स बनाता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. बट एट द सेम टाइम नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता. जबकि एक फॉस्फोरस एक है जो कि विच इज़ वेरी मच रिएक्टिव इन एयर, दैट्स वाई इट इज स्टोर्ड इन वाटर इन ऑर्डर टू स्टॉप कॉन्टैक्टिंग इट विद ऑक्सीजन, ठीक है? क्योंकि वो विगरसली बर्न कर देता है फॉस्फोरस, ठीक है? हमने ये पढ़ा ऑक्सीजन में मेटल ऑक्साइड्स बनेगा और एसिड्स में कोई रिएक्शन नहीं करता, ठीक है? येल्लो क्रिस्टल जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है दैट इज सल्फर. ऑलराइट, ओके. सो ऑलराइट, थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग जो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, ठीक है? हम क्या पढ़े थे, अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा देखते हैं. चलो, तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल जो होता है वो क्या होता है पता है आपको? तो वो जो होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमेशा अरेंज किया जाता है. यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, इफ आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चन विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल नॉन मेटल ओवर हियर, सो यू विल बी आंसरिंग पोटेशियम, ठीक है? तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा नॉन रिएक्टिव रिएक्टिव है. सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव कौन है, गोल्ड, ठीक है? गोल्ड का एक प्रॉपर्टी बताओ मेरे को, कोई भी गोल्ड का एक प्रॉपर्टी बता सकता है? गोल्ड जो होता है वो लश्चरस होता है, शाइनी कलर का होता है, ठीक है? हम सब गोल्ड पहनते हैं ना, वो लश्चरस होता है. ऑलराइट, एंड व्हाट इज हाइड्रोजन? हाइड्रोजन एक मेटल है या फिर नॉन मेटल है? हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, ठीक है? वेयर वी फाइंड हाइड्रोजन? वी फाइंड हाइड्रोजन इन वाटर एंड एयर, ठीक है? हम एयर में भी हाइड्रोजन पाते हैं और वाटर में भी वी फाइंड हाइड्रोजन. ऑलराइट, ओके. सोडियम हमें काफ़ी ज़्यादा, सोडियम कहाँ में मिलता है? सोडियम पोटेशियम ये सब. सोडियम पोटेशियम हमें नेचर में भी मिलता है. ऑलराइट, इन दैट ऑफ मिनरल्स फॉर्म या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब मिलता है. एलुमिनियम शीट्स बनाने में यूज़ होता है. जिंक वगैरह भी मेटल है. आयरन कहाँ पे यूज़ होता है? आयरन हमको पता है कहाँ पे यूज़ होता है कि नहीं पता है? आयरन तो वी यूज इट, ओके, घर बनाने में आयरन यूज़ होता है. लीड जो होता है, हमारे पेंसिल का लीड है, दैट इज़ लीड, ओके. कॉपर हमारे घर पे यूज़ होता है. मर्क्यूरी थर्मोमीटर से इट इज़ यूज, राइट, ओके. सिल्वर, सिल्वर कहाँ पे यूज़ होता है? सिल्वर भी हम पहनते हैं, गोल्ड भी हम पहनते हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव है, जबकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम पोटेशियम. वो विगरसली रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, ओके? सो ऑलवेज रिमेंबर, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में. यहाँ पे क्या होता है कि मेटल्स जो होता है अरेंज किया जाता है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बड़ा से छोटा. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है उससे लेकर सबसे कम रिएक्टिव मेटल के फॉर्म में उसको पहले आप अरेंज करोगे, ठीक है? उसी को बोला जाता है रिएक्टिव रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स. ऑलराइट, एंड विच इज़ मोर रिएक्टिव? पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, एंड विच इज लीस्ट वन, दैट इज गोल्ड. ऑलराइट, और सबके जो शॉर्ट फॉर्म है पोटेशियम का के एन ए यू ये सब याद रखना पड़ता है, ठीक है? एग्जाम में आता है. और हमने पढ़ लिया वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, दैट्स वाई फॉस्फोरस को स्टोर किया जाता है वाटर में, एंड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन इट इज इट बर्न्स कैचेस फायर. ऑक्सीजन में मेटल ऑक्साइड्स बनता है, दैट इज डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड. ऑलराइट, और एसिड्स में भी इट डोंट रिएक्ट. ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी स्मॉल सेशन. हमने जो प्रीवियसली पढ़ा था दैट इज
फर्स्ट पढ़ा था हमने मेटल रिएक्ट्स कैसे करता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पहले लेक्चर में, ऑल राइट। एंड सेकेंड में जो हमने पढ़ा था दैट वॉज रिएक्टिविटी ऑफ दैट ऑफ मेटल्स विथ एयर वाटर एंड एसिड्स। एंड टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड हाउ अ मेटल नॉन मेटल केमिकली रिएक्ट्स विथ वाटर एयर और कौन एसिड, ठीक है। सो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल सेशन ओनली अबाउट नॉन मेटल्स एंड रिएक्टिविटी सीरीज, ऑल राइट। सो ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू लर्न। सो आप घर जाओ, उसके बाद जस्ट हैव अ लुक एट दिस लेक्चर, देन यू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड रीड इट, ऑल राइट। सो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा याद करना, या आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई डेफिनेटली आंसर। All right, I'll see you in the next lecture. Until then, have a good day and keep smiling. Bye.